वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम बैकन का फेमस ऐसे ऑफ ट्रुथ जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रुथ सेड जस्टिन पायलट। पायलट जो थे वो एंशिएंट रोमन गवर्नर थे और वो कहते हैं कि बैकन कहते हैं कि सर वो ट्रुथ का मीनिंग जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन किया व्हाट इज ट्रुथ और वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और वो एक आंसर के लिए नहीं रुके क्योंकि उनका एक स्केप्टिकल फ्रेम ऑफ माइंड था। वो क्योंकि वो ट्रुथ को अवॉइड करना चाहते थे या वो आंसर को अवॉइड करना चाहते थे। इसके बाद बैकन जिस चीज के लिए फेमस है अपनी टर्सनेस, अपने डायरेक्टिक टोन के लिए, तो वो पहली लाइन में डाल देता है सर्टनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस एंड काउंट इट ए बॉन्डेज टू फिक्स ए बिलीफ। बैकन साहब कहते हैं कि सर्टनली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बार बार गिडीनेस मतलब अपने ओपिनियन को चेंज करते रहते हैं, उनको अपना ओपिनियन चेंज करने में बहुत खुशी होती है, और यहाँ तक कि वे लोग तो अगर उनके अपने जो फिक्स्ड बिलीफ हैं उनको एक टाइप की मेंटल स्लेवरी मानते हैं। काउंट इट ए बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब गुलामी, मेंटल स्लेवरी मानते हैं। वो कहते हैं कि सर मेरे जो फिक्स्ड बिलीफ हैं वो तो एक प्रकार की गुलामी है। अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग, ये लोग तो फ्री विल की को एडवोकेट करते हैं, फ्री विल की बात करते हैं इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। की वो कहते हैं कि सर हमें विचार और एक्शन, एक्टिंग एक्शन काम में हमें फ्री विल चाहिए। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर ऑफ दैट काइंड बी गोन, तो कहता है कि सर ऐसे लोग एंशिएंट ग्रीक में रहते थे, प्राचीन ग्रीक में, यूनान में रहते थे, और इस तरह के फिलोसोफर को स्केप्टिक्स कहा जाता था, शंकावाद के जनक थे वे लोग। वो कहता था, कहता है कि सर ये स्केप्टिक्स जो हैं, ये कहता है कि उनका ये व्यू था कि व्हाटएवर ए मैन, कि जो भी एक इंसान सोचता है वो चीज सच है। अब ये कहता है येट देयर रिमेन एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर ऑफ दैट काइंड बी गोन, हालांकि अब इस प्रकार के स्केप्टिक्स ज्यादा नहीं रहे हैं, येट देयर रिमेन सम डिस्कोर्सिंग विट विच आर ऑफ दिस सेम वेन, पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि क्या मानते हैं कि वो बार बार अपने बिलीव्स को चेंज करते रहते हैं। सेम वेन मतलब सेम व्यू। There be not so much blood in them. हालांकि अब वो वैसी बात नहीं रही है as was in those of the ancient, जैसे उनके पूर्वजों में थी। उन पूर्वज skeptics में जो बात थी अब वो बात नहीं रही है। But it is not only the difficulty and labor which man take in finding out of truth. अब ये कहते हैं, बैकन साहब कहते हैं कि इंसान को सच को सच की खोज करने में बहुत सारा टाइम और लेबर, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। नोर अगेन व्हेन इट इज फाउंड, और जब ये ट्रुथ मिल जाता है, हमें सच का पता चल जाता है, इट इम्पोस्ड अपॉन मैन्स थॉट, तब ये इंसान के सोच के ऊपर एक प्रकार का बंधन लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि अब इंसान जो है अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने विश्वास चेंज नहीं कर सकता है। अभी एक बात करता है, दैट थॉट ब्रिंग लाइज इन फेवर, कहता है कि लाई जो है, झूठ जो है, इंसान इसलिए फेवर करता है, बट इसलिए फेवर नहीं करता है कि उसको क्योंकि एक तो वो रिस्ट्रेन नहीं लगाती है, दूसरा झूठ बोलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट ए नेचुरल थ्रू करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। लाई के लिए कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किसी ना किसी कारण से झूठ से अट्रैक्ट होते हैं। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रीशियंस, अब ये कहता है कि सर ग्रेशियंस यानी लूशन नाम के एक व्यक्ति ने एग्जामिन्ड द मैटर, उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल की, एंड इज एट ए स्टैंड टू थिंक What should be in it? और उन्होंने ये विचार किया कि सर
उन्होंने ये विचार किया कि सर क्या कारण है कि इंसान दैट मैन शुड लव लाइफ, कि इंसान जो है वो झूठ को प्यार करता है, झूठ की तरफ लव मतलब अट्रैक्ट होता है। किस क्यों इंसान झूठ की तरफ अट्रैक्ट होता है, वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर, हालांकि ना तो हमें उनसे खुशियां मिलती हैं। एज विद पोइट्स, पोइट्स जो झूठ बोलते हैं उनके जो झूठ बोलने से हमें खुशी मिलती है। नोर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट, व्यापारी जो झूठ बोलते हैं उनसे उन्हें एडवांटेज मतलब फाइनेंशियल गेन, उन्हें उनसे पैसा मिलता है, पर हमें तो झूठ बोलने से कोई पैसा भी नहीं मिलता है, हमें झूठ बोलने से कोई खुशियां भी नहीं मिलती हैं, फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं। बट फॉर द लाई सेक, हम केवल झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते हैं। बट आई कैन नॉट टेल दिस सेम ट्रुथ इज ए नेक्ट एंड ओपन डे लाइट। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार एक सिमली यूज करते हैं, कहते हैं कि ये जो ट्रुथ है, एक मेटाफरिक वे में कहते हैं कि ये ट्रुथ एक सत्य जो है वो एक प्रकार की ओपन डे लाइट है, बिल्कुल दिन की रोशनी है। दैट डोथ नॉट शो द मास एंड मेमोरीज एंड ट्रम्प्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए इसके अंदर क्या है कि जब हम ये कहते हैं फॉर द ऑफ द वर्ल्ड मतलब थिएटर, कहता है कि सर सत्य तो एक प्रकार की दिन की रोशनी के समान है, जिसमें क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने जो भी मास्क पहना होता है, जैसा है वैसा ही वो हमें दिख जाता है। आप भी देखते हैं कि हम अगर हम कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं, किसी कपड़े की शॉप पर जाते हैं, तो वो वहां पर फॉल्स लाइट जलाते हैं जिनमें कपड़ा हमें बहुत चमकता हुआ लगता है। तो कहता है कि सर और जो हमारे पूर्वज थे वो कपड़े को डे लाइट में खरीद के देखते थे, पता चल जाता था कि क्या सूट है, क्या क्वालिटी है। इसी तरह से कहता है कि सत्य जो है वो तो दिन की रोशनी के समान है, जो हमें जो थिएटर में काम करने वालों के सारे मास्क वगैरह उनके चेहरे पर चढ़े सारे नकाब दिखा देता है। एंड ट्रम्प ऑफ द वर्ल्ड हाफ सो स्टेटली बट डेंटली एज कैंडल लाइट, जबकि जो झूठ है वो तो कैंडल लाइट की तरह है, जिसमें हमें क्या है वो हमें जो सेम शो, और अगर हम कैंडल लाइट में कोई चीज देखते हैं, रात की रोशनी में देखते हैं, तो हमें वो जो मास्क है बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रुथ परहैप्स कम टू बी द प्राइस ऑफ पर्ल। अब ये कहता है कि सच जो है वो एक पर्ल की तरह होता है, जो दिन में मोती जो है वो दिन में बढ़िया चमकता है, पर ये एक डायमंड या एक कार्बनकल की तरह नहीं हो सकता है, जो कि रंग बिरंगी रोशनी में बहुत बढ़िया चमकता है। आगे ये कहते हैं ए मिक्सचर ऑफ लाइट दो एवर एड प्लेजर। ये कहता है कि सर सच के अंदर अगर हम थोड़ा सा झूठ मिला देते हैं तो वो बहुत ही शानदार हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि झूठ हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी इसके बाद ये कहता है डोंट एनी मैन डाउट इफ इट वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड फॉल्स ओपिनियन फ्लैटरिंग होप फॉल्स वैल्यूएशन इमेजिनेशन एज वन गुड। कहता है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर हम एक आदमी से उसके झूठे ओपिनियन विचार झूठी उम्मीदें झूठे जजमेंट हम उससे ले लें तो क्या होगा। तो सर अगर वैसे किसी बंदे से हम ये ले लेते हैं तो इससे वो बंदे का जो दिमाग है बहुत ज्यादा दुखी फील करेगा, क्योंकि हम हर एक इंसान को उसके जो झूठे विचार है झूठी उम्मीदें है जो झूठे उसके जजमेंट निर्णय है ना वही खुश करते हैं। झूठ जो है वो हमें एक प्रकार का एक बड़ा ही अलग किस्म का आनंद देता है। अगर हम किसी से उसके विचार ले लेते हैं तो क्या होगा कि वो आदमी का माइंड पुअर श्रंकन थिंग बड़ा दुखी हो जाएगा, फुल ऑफ मेलंकली बहुत दुखी, सैड इंपोजिशन सैडनेस हो जाएगा। वन ऑफ द फादर, अब यहाँ पे क्योंकि बैकन को चर्च से बड़ा रिलेट था तो बैकन एक चर्च के अर्ली राइटर की बात कहता है कि पोइजी वेनम डेमोनम, की पोइट्री जो है
किसी चर्च के अर्ली राइटर ने कहा था कि पोएट्री जो है वो वाइन ऑफ द डेविल है, बिकॉज क्योंकि वो तो देवता, वो तो राक्षसों की या शैतान की शराब है, बिकॉज इट फायर द इमेजिनेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि उस ये जो है हमारी इमेजिनेशन को झूठ जो पोएट्री जो है बढ़ा देती है, एंड इट इज बट विद द शैडो ऑफ लाइफ, और पोएट्री क्या है वो एक प्रकार का झूठ है, बट इट इज नॉट द लाइट दैट पास थ्रू द माइंड, कहता है कि सर पर कहता है पोएट्री जो झूठ बोलती है वो इंसान का दिमाग लेता जरूर है और उसके बाद उन्हें भूल जाता है, वो दिमाग में आती है और भूल जाता है, बट द लाई दैट्स एट ऐसा जो लाई झूठ है वो दिमाग में गहरे नहीं जाता है, बट द लाई दैट सिंक इन, पर जो झूठ हमारे दिमाग में बड़ा गहरा चला जाता है, एंड सेटल इन इट दैट डोंट द हर्ट, वो जो झूठ जो हमारे दिमाग में बड़ा गहरा बैठ जाता है वो झूठ हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सच एज वी स्पोक ऑफ बिफोर, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, बट हाउएवर दीस थिंग आर थस इन मैंस डिप्राइव्ड जजमेंट एंड अफेक्शन येट ट्रुथ, कहता है कि ये जो चीज है ये इंसान का अपना अपना जजमेंट है, अफेक्शन है, वो कहता है कि ट्रुथ टीच दैट इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ, इंक्वायरी और ट्रूथ विच इज द लव मेकिंग और वूइंग इट, ये कहता है कि सर जो सच को समझते हैं वही सच की वैल्यू समझते हैं, ये कहता है कि सर अगर आप जो ट्रूथ की इंक्वायरी करना ही इसको प्यार करना है, ट्रूथ की नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ का ज्ञान ही इसकी प्रेजेंस है, और ट्रू बिलीफ ऑफ ट्रूथ जो है अगर आप ट्रूथ में बिलीव करते हैं तो आप इसे एंजॉय करते हैं, इज द सुप्रीम सवर्जिन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, और यही कहता है कि ट्रूथ ही हमारे लिए सब सुप्रीम गुड, सबसे अच्छा क्या है ट्रूथ है, द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, अब ये बात करता है, ये कहता है कि सर अगर आप सच की इंक्वायरी करते हैं इसका मतलब आप सच से प्रेम करते हैं, और सच की ज्ञान होना आपको सच की नॉलेज है, और सच में विश्वास रखना ही सच को एंजॉय करना है, इंसान ने सबसे पहले क्या बनाई थी सर, लाइट बनाई थी इन द वर्क ऑफ डे, उसने दिन में क्या काम किया, लाइट बनाई, दैट वाज द लाइट ऑफ सेंस, वो लाइट क्या थी, समझ की रोशनी थी, एंड लास्ट वाज द लाइट ऑफ रीजन, लास्ट जो था वो रैशनल तर्क शक्ति थी, एंड हिज सवात वर्क एवर सेंस, इसने जो क्या किया इसके बाद कि गॉड ने सवात, सवात से ही वर्ड बना संडे, और संडे को सब क्रिश्चियन लोग चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि उस दिन गॉड रेस्ट कर रहा होता है, बाकी के सिक्स डे गॉड वर्क करता है, इट इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, उसने जो था इंसान के दिमाग के अंदर वो जो तर्क की लाइट दे दी, उसी से कहता है फर्स्ट ही ब्रीथ लाइट अपॉन द मैटर ऑफ क्योस, सबसे पहले उसने अपना काम करने के बाद उसने रेस्ट किया, फिर उसने इंसानों के अंदर, इंसान के दिमाग के अंदर अपनी शक्ति क्या दी, उसने उसके अंदर तर्क शक्ति डाल दी, फर्स्ट ही ब्रीथेड लाइट अपॉन द फेस ऑफ क्रियोस, सबसे पहले उसने क्रियोस मतलब अराजकता अंधकार के अंदर उसने प्रकाश लगाया, देन ही ब्रीथेड इनटू द फेस ऑफ मैन, तब उसने इंसान के चेहरे में प्रकाश दिया, एंड आफ्टरवर्ड Still he breathed and inspired life into the face of his chosen. उसके बाद वो उनके चेहरों पर प्रकाश देता है जिन्हें वो चुनता है, वो chosen one, जिनको वो जो जो भगवान के बंदे हैं, भगत हैं, उनके अंदर वो प्रकाश देता है. The poet that the beautiful, the sect, अब ये बात करता है Lucretius नाम के एक poet की, कहता है Lucretius नामक poet ने बहुत सही कहा है कि that otherwise inferior to rest, हालांकि वो कहता है कि वो बाकी से inferior था, पर उन्होंने बहुत ही शानदार accidentally well क्या कहा, it is a pleasure to stand upon the shore, वो कहता है कि एक इंसान के लिए सबसे अच्छा आनंद क्या है, and to see ship tossed upon the sea, a pleasure to stand, वो कहता है कि इंसान के लिए सबसे अच्छा क्या है कि अगर आप समुद्र में खड़े, आप किनारे पर खड़े होकर जहाजों को जाते हुए देखें, एक pleasure ये है कि आप किसी
किले कैसल किसी किले की खिड़की में खड़े होकर लड़ाई देखे और देखे नीचे क्या हो रहा है। ये तो कहता है कि ये तो प्लेजर है, बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। पर कहता है कि सबसे महान आनंद क्या है, आपको सच का समझ आ जाए, आपको रियलाइजेशन हो जाए। ये जो है इसमें इस लाइन के अंदर थोड़ा सा ऑब्सिक्योरिटी है, अगर आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो आप ये देखिए कि इसने तीन तरह के प्लेजर बताए हैं। पहला ये कहता है कि ये एक प्लेजर है जब आप किसी किनारे पर खड़े होकर जहाजों को समुद्र में जाते देखिए। फिर दूसरा प्लेजर है कि अगर आप किसी किले की खिड़की में नीचे लड़ाई को होते हुए देखें, पर अगर आप सत्य के धरातल पर खड़े हैं। ये कहता है कि पहाड़ी पर हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ी पर हवा हमेशा एकदम साज होती है। आप सत्य के धरातल पर अगर आप खड़े हैं तो आप देख सकते हैं, यू कुड सी द एरर्स, आप दूसरों की गलतियां देख सकते हैं, उनकी उनके झूठ देख सकते हैं और उनकी जो वो फॉलीज देख सकते हैं जो संसार में फैली हुई है। और आप क्या देख सकते हैं कि नीचे क्या क्या चल रहा है, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। इस तरह के जब आप करेंगे विद सच प्रोस्पेक्ट, इस तरह का जब आप व्यू करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर सच आएगा जिसमें पिटी दया आ जाएगी एंड नॉट विद प्राइड। आप में जो सच आएगा उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, बल्कि सर आप अगर सच में इस तरह के सच से लोगों को देखेंगे तो आप में दया आएगी। सर्टेनली इट इज हेवन अपॉन अर्थ टू हैव मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी। बहुत ही बढ़िया, अगर धरती पर स्वर्ग तभी आएगा जब इंसान दया करेगा, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द कोर्स ऑफ ट्रुथ, और वो सच की तरफ चलेगा। टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रुथ, अगर हम थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक, जो धर्म से रिलेटेड होता है, थियो मतलब होता है धर्म, जब हम धार्मिक और फिलोसफिकल दार्शनिक सत्यों के से आगे चलते हैं तो सर हम क्या देखते हैं, द ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस। तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमें रोजाना भी हमें सच देखना चाहिए। इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट, जो लोग सच नहीं भी बोलते वो भी इस बात को मानते हैं, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैंस नेचर। जो आदमी साफ ईमानदार काम बात करता है वो इम आदमी का बहुत सम्मान होता है। एंड द मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, अगर आप उसमें थोड़ा झूठ मिलाते हैं, इज लाइक एलॉय, एक सिंबली यूज करता है, इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो कहता है कि हम अगर झूठ मिलाते हैं तो हम जैसे सोने या चांदी के सिक्के के अंदर कुछ झूठ मिलाते हैं वो हो जाता है। विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेस्टेड, कहता है जिससे लोहा सिक्का मजबूत तो हो जाता है पर उसकी कीमत भी गिर जाती है। अगर हम थोड़ा झूठ मिला के बोलते तो हम एक बार प्रॉफिट तो कमा सकते हैं पर हमारी उसमें इज्जत नहीं रहती है। फॉर दीज माइंडिंग एंड क्रूक्ड कोर्सेस आर द गोइंग ऑफ सर्पेंट, और फिर बहुत ही शानदार तरीके से ये कहता है कि सर हमें जितना भी काम करना है वो सारा काम हमें सच के ऊपर करना है। अब वो कहता है कि हमें दिखकर हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा झूठ और सच मिला देते हैं। अब इसके बाद ये कहता है कि इसके बाद एक और एग्जांपल देता है कि सर ये कहता है कि झूठ का बोलना तो एक प्रकार से सांप का चलना है, और आपको पता है विच गोज अपॉन द बेली, सांप जो है वो पेट के बल चलता है एंड नॉट अपॉन द फिट, क्योंकि सांप अपने पैरों के बल पर नहीं चलता है। देयर इज नो वाइस That don't so cover a man with shame, कहता है कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे इंसान को इतना ज्यादा शर्म आए, as to be found false and perfidious, इतना ज्यादा हमें झूठा झूठा पाने पर हमें शर्म आती है, इस इतनी शर्म हमें किसी भी चीज में नहीं आती है। And therefore Montaigne say prettily, Montaigne एक फ्रेंच राइटर थे जिनको देखकर ही बैकर ने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था। मोंटेग को फादर ऑफ वर्ल्ड ऐसे भी कहा जाता है जबकि बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। उन्होंने जब मोंटेग ने व्हेन ही इंक्वायर्ड द रीजन उन्होंने तर्क देखा व्हाई द वर्ल्ड ऑफ लाइफ शुड बी सच ए डिसग्रेस, कि झूठ का इतना ज्यादा बुरी बेइज्जती क्यों होती है एंड सच एन ऑडिशियस स्टार, जो झूठ को इतना ज्यादा बुरा क्यों कहा जाता है। से उन्होंने बोला इट विल बी वेल वे टू से दैट ए मैन लाइक
is as much to say that he is brave toward God. कहता है कि अगर कोई आदमी सच बोल झूठ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि उसको वो बहुत ज्यादा भगवान की तरफ बहुत ज्यादा बहादुर है, क्योंकि हमें झूठ बोलने पर भगवान को सामना करना पड़ेगा और वो कहता है उसमें इतनी हिम्मत है कि वो भगवान का सामना कर सकता है। एंड ए कोवर्ड टुवर्ड मैन, और वो इंसान का सामना करने से डरता है। फॉर ए लाइफ फेस गॉड एंड श्रिंक फ्रॉम मैन, जो कि मोंटैग कहता है कि एक झूठ बोलने में एक इंसान भगवान की तरफ तो बहादुर बन जाता है पर अपने साथियों की तरफ कायर बन जाता है। Surely falsehood is wickedness of falsehood. Falsehood झूठ बोलना बहुत ही ज्यादा गलत काम है। And breach of faith, और इसे विश्वास टूटता है। Cannot possibly be so highly expressed as that in it shall be the last pin. अब वो फिर से बैकन जो है बहुत ही शानदार तरीके से एक इमेजरी लाता है बाइबल की। लास्ट पिन मतलब डूम्सडे, डूम्सडे मतलब कयामत का दिन। अब वो बात कहता है कि सर ऐसी विकेडनेस जो है झूठ बोलने वाला बंदा है उसे डूम्सडे पर क्या है, कयामत के दिन क्या उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। टू कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन, तब भगवान जो है इंसान का निर्णय करेगा। It being foretold, ये बात तो बाइबल में पहले से कही जा चुकी है that when Christ come, कि जब क्राइस्ट यहाँ पे आएगा तब he shall not find faith upon the earth, तब उसे क्या यहाँ पे अर्थ पर फेथ नहीं मिलेगा। ये बात तो पहले ही कही जा चुकी है। इस तरह से फ्रेंड्स अपना ये ऐसे खत्म होता है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।